हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जी शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, विद द इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ का यहाँ पर शिफ्ट बन रहा है। ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, जैसे कि हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में डिस्कस किया ही था कि कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं, डिलेज एंड होने वाले हैं, इजंट इट। और आप लोगों की जो भी इंस्टिंक्ट्स आपसे कह रही हैं, वही आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर एक्शन, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके मैस्कुलिन को शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स मैं ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या वहाँ से भी सेम वे में फीलिंग्स बन रही होंगी। आपने, हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने यहाँ पर एक बार ही ट्राई किया, उसके बाद से शायद आपने कोई इनकी तरफ एक्शन रखा नहीं या फिर ज़रूरी नहीं समझा। आपने, हो सकता है इनको टाइम देने के लिए, इनको एक स्पेस देने के लिए कि ये बिना किसी प्रॉब्लम के अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग कर लें, तो इसलिए आपने इनको आइदर कुछ टाइम दिया होगा सोचने के लिए, समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए। बट आपके मैस्कुलिन, हो सकता है ये आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार इसलिए कर रहे होंगे कि जो भी आपने एक मीडियम बनाया था इनसे कम्युनिकेट करने का, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन जोन में चल रहे हैं। और हमने एक चीज़ आज ये डिस्कशन की थी कि आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनसे जाकर आपके बारे में पूछ रहे होंगे कि क्या आपने उनसे कांटेक्ट किया, या फिर क्या आपने उनके बारे में पूछा। मतलब जब वहाँ से इनको आंसर कुछ मिल नहीं रहा है, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन या एक्शन इनको देखने को नहीं मिल रहा है, या आपके किसी स्मॉल से जेस्चर का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको कोई आंसर नहीं मिल रहा होगा। तो इस वजह से कि आप इन्हें भूल तो नहीं गए, क्या आपका वही एंथुजियास्टिक अप्रोच है इनके टूवर्ड्स, आज भी आप वही सारी चीज़ें चाहते हो क्या, तो ये एक छोटा सा डाउट कह सकती हूँ मैं, या फिर मे बी दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आपने इनको अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल भी आप एक वो वॉर्म्थ कह सकते हो, एक चेजर नहीं बने हुए हो आप, बिल्कुल ही इन्हें छोड़ दिया, इनके स्पेस में आपने इन्हें छोड़ दिया कि आप ही सोचो, आप ही कोई लाइक रिप्लाई दे देना। अगर ऐसी सिचुएशन आपने क्रिएट की है तो मे बी योर पर्सन इज़ वेटिंग। वो कहते हैं ना कि जब हमें कोई चेज करता है या फिर हमारे बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाता है, बीइंग लव्ड वाली फीलिंग्स कह लो या बीइंग चेज्ड वाली फीलिंग्स कह लो, उसका एक अपना ही मज़ा है। और शायद ये आपके मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा पसंद आता था होगा, ये आपके उन मैसेजेस को बार बार पढ़ा करते थे, या फिर आपके बारे में म्यूचुअल फ्रेंड से जाना करते थे। लेकिन आपकी कोई जब इन्फॉर्मेशन इनको नहीं मिल रही है, तो मे बी इनको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं मैं ही एक अकेला यहाँ पर एक्साइटेड हूँ, या फिर वहाँ से भी कोई रेसिप्रोकेशन है, वहाँ से भी क्या इक्वल वे में चीज़ें बन रही हैं, या सिर्फ मैं ही ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ। आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन ऐसा होगा गाइस, आइदर आपने इनको ब्लॉक किया होगा या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ करती थी। आइदर ये किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर एक सोशल मीडिया के जरिए, जहां पर आप लिटरल इनसे डायरेक्टली तो बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जेस्चर्स शायद आप लोग खेला करते थे ऑन अ सोशल मीडिया। तो अगर ऐसा एक चल रहा था आप लोगों के बीच में एक सिलसिला, वो सिलसिला आप रुक गया है, लाइक आपने रोक दिया है। आप, हो सकता है इनके तरफ कोई एक्शन इसलिए नहीं रख रहे होंगे कि आपको लगता होगा कि ये कोई रिस्पांस दे वहाँ से, ये कोई रिएक्शन दे, अब इनकी बारी है, मैंने तो अपना एक्शन रख दिया था, अब इनको एक रिस्पांस देना है, एक रेसिप्रोकेशन दिखाना है यहाँ पर, इसलिए आप इनकी तरफ कोई और मूवमेंट नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आपके मैस्कुलिन को आदत है कि आप इनको हमेशा से चेज करते आए हो, हमेशा से इनके ऊपर एक नज़र बना कर रखा है आपने, लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही बिजी हो गए होंगे, या फिर इनकी तरफ आपका कोई
ऐसा एक्शन या फिर कोई मैसेजिंग कह लो, कन्वर्सेशन कह लो, कुछ भी इनको जब शो नहीं हो रहा है ऑन अ 3D लेवल, तो इनको ये बात थोड़ी सी परेशान कर रही है. ओके, तो इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज देखा जाए तो इस वे में प्रोसीड हो रही हैं. दे आर थिंकिंग अ लॉट, दे आर एक्साइटेड, एंड मे बी ये आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को पता करने की कोशिश कर रहे होंगे, या अपने फ्रेंड से जाकर पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि इनकी तरफ कोई मैसेज आपने भेजा है. तो ये सारी चीज़ें ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये एक, मैं कह सकती हूँ ना, एक एक्साइटमेंट कह सकते हो आप, एक क्यूरियोसिटी कह सकते हो, लाइक आगे के बारे में जानने की जल्दी कि क्या चल रहा है आपके एंड पर. और ये तभी होता है जब कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड होता है, और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्यूरियस होंगे, दे रियली वॉन्ट टू नो. अगर आप इनकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हो तो रख दीजिएगा, हो सकता है ये इनके लिए एक मोटिवेशन का काम करे. मतलब जो भी मीडियम आपने बनाया है, आइदर विथ देयर फैमिली और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, इवन सोशल मीडिया और समथिंग, जहाँ से भी आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, भले हल्का सा जेस्चर दिखाना कि आप स्टिल इनके लिए अवेटेड हो या फिर जो भी है, वो इनके लिए एक मोटिवेशन दे सकता है. ओके, इस वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन सारी चीज़ों की. आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेंथ 3 of Coins एंड किंग ऑफ कप्स की बनी हुई है. मैंने जैसे कि आपको बताया भी, आप अपनी ही लाइफ में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अवेटेड हो, लेकिन जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी डिस्कस किया था, आपका कोई कंट्रोल नहीं है नेक्स्ट एक्शन पर, आपका किसी भी वे में कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आज ही सारे रिजल्ट्स आपको देखने हैं या फिर आज ही आपको सारा आउटकम देखना है, ऐसा कुछ नहीं है. आपके एंड पर आप रिलैक्स्ड होंगे, आप अपने लाइफ में बिजी होंगे, आप अपने स्किल्स पर काम कर रहे होंगे. मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोग एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर बने हुए हो, और जो इंसान एक स्पिरिचुअलिटी पर कदम रख देता है उसको वैसे भी टेंशन नहीं होती. उस पर्सन ने अपने सारे इश्यूज़, सारे मैटर्स यूनिवर्स पर छोड़ दिए होते हैं कि यूनिवर्स टेक केयर करेगा, और यूनिवर्स से ही आपका एक क्लेम बना रहता है, आप सरेंडर होते हो डिवाइन की तरफ. तो आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हैं, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेटेड हो, आप अपने एंड पर एक सब्र बना कर रख रहे हो, लेकिन इस पर्सन को शायद आपका इंतज़ार है, क्योंकि हमेशा से ही आपने इस पर्सन की तरफ अपना वो एक ईगरनेस दिखाया, मैं कह सकती हूँ. आपने हमेशा इस पर्सन को एक पेडेस्टल पर रखा होगा, इस पर्सन की जो पोजीशन आपने अपनी लाइफ में दी थी, वहाँ पर ऐसा लगता होगा इनको कि जिस वे में आप इन्हें ट्रीट किया करते थे, पैम्पर किया करते थे, वो शायद अभी आपका कम हो गया है, आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं, आपने इन्हें चेस करना बंद कर दिया होगा, या फिर जिस वे में भी आप इनके लिए ईगरली अवेटेड रहते थे वो शायद आपने बंद कर दिया होगा, आप वो शो नहीं कर रहे हो अभी. आप लाइक यू गाइज आर बींग सो मेच्योर्ड हियर, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अभी वो आपका बचपन आ गया, वो वहाँ पर शायद आप बहुत ज़्यादा नादान हुआ करते थे, अब आप एक प्रैक्टिस में आ गए हो, स्पिरिचुअलिटी जब से आपने प्रैक्टिस की है तो आपके अंदर एक ठहराव आया है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है ये आपने सीख लिया है. और इस पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आपके और इनके बीच में हो सकता है सेपरेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होगा, अभी आपको नहीं जानते कि अब आप किस वे में चेंज हो गए हो. तो ये जो आपका चेंज है इनको कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है कि सच में आप चाहते भी हो क्या, या फिर ऐसे ही कह दिया था. यू नो, अगर आपने इनकी तरफ कोई प्रपोजल या फिर एक कमिटमेंट ऑफर किया था और उसके बाद शायद आप पूरी तरीके से गायब हो गए होंगे, आपने एक ईमेल सेंड किया होगा या फिर एक लास्ट कॉल आपने कर दी, आपने ये कह दिया कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी या करूँगा, फिर उसके बाद में आपने कभी कॉल नहीं किया या फिर कभी मैसेज नहीं किया होगा, तो ये सारी चीज़ें ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि क्यों, मतलब आप तो हर बार पूछा करते थे, बार बार पूछा करते थे सेम चीज़ के पीछे, आप बार बार उसी चीज़ पर पॉइंट किया करते थे, लेकिन अब वो नेचर आपका नहीं दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल चेंज हो गए हो. तो इनका ऐसा डाउट जा रहा होगा कि आप इस पर्टिकुलर से टॉपिक पर सीरियस हो या नहीं, आपकी सीरियसनेस पर इनका डाउट जा रहा होगा. ये आपका चेंज है गाइज, ये आपकी ग्रोथ है. अब इस पर्सन को नहीं पता कि आप कितने मैच्योर हो गए हो इन सारी चीज़ों में, अब आपने पेशेंस सीख लिया है, अब आपने अपने
इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ये सीख लिया है। अब आप वो ज़िद्दी पर्सन नहीं रहे, अब आप एक बैलेंस्ड पर्सन बन गए हो। आपको पता है लाइफ के सारे लेसन्स आपने सीखे हैं, लाइफ कैसे चलती है, लाइफ की रियलिटी आपने शायद जानी है अभी। यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ, इजंट इट? तो इस पर्सन को शायद ये बात पता नहीं है, इसलिए इनके लिए एक डाउटफुल वाली एनर्जीज बन रही हैं। मे बी दे आर वेटिंग अ लॉट कि आप यहाँ पर कुछ तो कोई एक्शन दिखाएं, अपना ऐसा कोई जेस्चर दिखाएं कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, या फिर यू आर स्टिल ईगरली वेटिंग फॉर देम और समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो ये इनकी एनर्जीज हैं और आपकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि 3D लेवल पर ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 8 of Wands, King of Coins, 7 of Coins एंड Knight of Wands। तो इन एनर्जीज का मतलब यही है गाइस कि ये पहले तो आपकी तरफ बहुत ही स्पीडी वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक पैशन बिल्टअप हुआ है आपको लेकर, वो इरेजिस्टिबल है। बट फिर भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने भी अपनी वो एक पेस जो है वो स्लो कर ली है। इनको पता है कि धीरे धीरे चलना ही सही रहेगा, भले ही अपने पैशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो सही रहेगा, वरना क्या पता जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ सामने वाला भी क्या वही स्पीड मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ा सा यहाँ पर स्लो नज़र आ रही है। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया यूनिवर्स की तरफ। You guys are just not bothered about anything. आपने एक तसल्ली अपने अंदर बना ली है, एक भरोसा आपको है, इन पर नहीं यूनिवर्स पर, मैं ऐसा कह सकती हूँ। इस पर्सन पर शायद आपने कब का भरोसा छोड़ दिया होगा, क्योंकि आपको पता है अगर इस पर्सन को मैं कंट्रोल करने जाऊँगी या कंट्रोल करने जाऊँगा तो वहाँ पर कोई आउटकम या फ्रूटेशन आपको मिलेगी नहीं। तो आपने सीधा सीधा कनेक्ट यूनिवर्स या डिवाइन से बना लिया। अब मांगते भी वहीं से हो, क्लेम भी सारी चीज़ें वहीं से करते हो, तो आपका जो पैटर्न है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज हो गया है। तो आपके पर्सन ने अपनी स्पीड को यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया है। ये शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि इनको जो एक लास्ट स्टेप यहाँ पर रखना है, ये रखें या नहीं रखें, मतलब इनका पैशन इतना हाई है अभी, और ये रेस्टलेस भी होंगे गाइस जब तक ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले लेते, इनको वो सुकून नहीं है। मे बी दे आर काइंड ऑफ अ रेस्टलेस, या फिर एक एक्साइटमेंट में कह सकती हूँ, और ये एक्साइटमेंट इनको जीने नहीं दे रहा है, और ये जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और किसी इवेंट का वेट कर रहे होंगे मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर 8 of Wands एंड King of Coins की एनर्जीज के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। आइदर ये आपके किसी एक्शन का वेट कर रहे होंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर से इवेंट का वेट कर रहे होंगे कि जैसे ही वो टाइम आ गया तो ये आगे बढ़ेंगे। बट इस दौरान इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स जो भी चल रहे हैं, इसी के अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। 100% इनका एक्शन तो आपकी तरफ ज़रूर आने वाला है गाइस, लेकिन टिल दैट टाइम आप इनकी तरफ क्या अप्रोच रखते हो, किस वे में इनकी तरफ एक रेसिप्रोकेशन या फिर एक जेस्चर दिखाते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखा जाए, योर पर्सन इज रियली अवेटेड फॉर यू, फॉर योर एक्शन। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ तो आप कहें कि अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो ये हो सकता है इनके पास ढेर सारी बातें हैं कहने को और सुनने को, यू नो। दे रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ये भी पेशेंटली बने रहे, काफ़ी टाइम तक इन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की होगी। अगर ये इस कनेक्शन में कोई पोटेंशियल नहीं था गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कुछ टाइम तक यहाँ पर हो सकता है एक डेड सी सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन इस पर्सन की तरफ यूनिवर्स ने ही आपको मोड़ दिया है। मतलब आप यहाँ से काफ़ी टाइम पहले ही वॉक अवे हो चुके थे, आप अपनी लाइफ के किसी अदर एरिया पर शायद बने हुए थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर कुछ चीज़ें कोलैप्स्ड हो गई, जिसके चलते आपने दोबारा से इस पर्सन के लिए एक थॉट रखी होगी, और जब आपने थॉट रखी तो आपने क्लैरिटी इनके सामने शायद प्रेजेंट की होगी। अब उस क्लैरिटी के देने के बाद शायद आप गायब हो, और यही बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप कहाँ चले गए। एटलीस्ट कोई तो आप एक एक्शन रखें, या फिर उस चीज़ के बारे में दोबारा से आप इन्हें आकर पूछें। यू नो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक बार आप बोल कर चले गए, आप सच में उस बात के लिए सीरियस थे भी या नहीं, ये इनका एक जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो जितने भी सेट ऑफ फेमिनिन्स ने ऐसी कुछ
चीज़ें की हैं, तो आपको एक और बार इस पर्सन की तरफ एक अप्रोच रखना पड़ेगा गाइस। भले जो भी मीडियम आपने चुना है, वहाँ पर एक और बार इनको एक कंफर्मेशन आप दे दें कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, यू आर स्टिल बीइंग सीरियस फॉर देम, क्योंकि आपकी सीरियसनेस मुझे नज़र आ रही है और आपको पता है, लेकिन इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही है। तो इस पर्सन को वो दोबारा से कंफर्मेशन देने के लिए, रिकन्फर्मेशन आई मस्ट से, तो आपको दोबारा से कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। ऑलराइट, तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द लवर्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ सोर्स एंड द नाइन ऑफ कॉइन्स। तो ज़रूर यहाँ पर ऑफकोर्स आपके पर्सन एक डिसीजन मेकिंग में स्टक हैं, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये आपकी तरफ से कोई एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप इनको एक रिलैक्सेशन दे दोगे, आप इनको एक भरोसा दिला दोगे कि यस यू आर देयर, यू आर स्टिल देयर, तो ये अपनी चुप्पी तोड़ देंगे। मतलब जो आप दोनों के बीच में एक खामोशी सी बन गई है, वो खामोशी फाइनली टूट जाएगी। तो ऑफकोर्स गाइज, यहाँ पर आपके पर्सन दोबारा से एक ट्रस्ट वाली एनर्जीज में आएंगे। भले ही अगर आप एक्शन लें या ना लें, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो तो ये कन्फर्मिटी मिल जाएगी इनको, और यहाँ पर प्यार की ही जीत होने वाली है। द लवर्स वाली एनर्जीज हैं। आप दोनों के बीच में भले ही कितने ही सारे ऑड्स क्यों ना बने हुए हों अभी राइट नाउ, कितना ही कुछ आपको नेगेटिव क्यों ना नज़र आ रहा हो फ्रॉम द फार, इनको भी शायद नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही होंगी फ्रॉम द फार, ये भी जज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से कि वॉट इज़ रियली गोइंग ऑन। लेकिन प्यार जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, शक्तियाँ हैं, प्यार को अगर कोई फॉलो करता है तो प्यार कभी नहीं हारता गाइस। प्यार का रास्ता ये अगर चुन रहे हैं तो ये कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि इनका प्यार ही है जो इनको फाइनली एक विक्टोरियस पर्सन बनाएगा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यही कह रही हैं आपसे कि इस पर्सन को अगर आप एक रिकन्फर्मिटी दिला देते हो तो ये अभी जो एक खामोशी बना कर बैठे हैं, पाउज लेकर बैठे हैं, ये इनकी चुप्पी तोड़ सकती है। मतलब आपका एक रिकन्फर्मेशन इनको देना इनकी खामोशी को ब्रेक कर सकता है, जिसके चलते आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ब्यूटिफुली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। मतलब फाइनली यू गाइज विल हार्वेस्ट द फ्रूट्स यू गाइज आर वेटिंग फॉर। मतलब बहुत टाइम से आपने इस चीज़ का सपना देखा होगा, ये आप लोगों की एक विश फुलफिलमेंट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो इस विश फुलफिलमेंट को अगर आपको जल्दी हासिल करना है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि एक रिकन्फर्मेशन आप इनको दिला सकते हो इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर जिस भी वे में आपने इनसे कम्युनिकेशन बना कर रखा था उसी वे में आप दोबारा से इनकी तरफ एक अप्रोच रखेंगे। इवन यू गाइज कैन डू इट विद द टेलीपैथी, क्योंकि टेलीपैथिकली भी आप इस पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है यहाँ पर। और ये जितने भी सेट ऑफ फेमिनेंस एंड मैस्कुलिन्स हैं, इनका एक सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो इस पर्सन को आप एक टेलीपैथिक वे में भी कोई मैसेजिंग या फिर कुछ कन्फर्मेशन भेज दोगे ना, तो इस पर्सन को वैसे भी स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर आप 3D लेवल पर इनसे कुछ कम्युनिकेट करते हो तो और भी अच्छी बात है। तो आइदर वे आप इनके लिए जो भी कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट, ताकि जो वो चेंज है आप लोगों की लाइफ में जो आने वाला है वो जल्दी आए। मतलब उस चीज़ को आप जल्दी अट्रैक्ट करो, और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशंस के साथ भी कनेक्ट बना कर रखिएगा गाइस, कि हर सिचुएशन में आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स और अपनी इंट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कि यूनिवर्स से आपका वहाँ पर कनेक्ट है, यूनिवर्स आपको जो जो भी डाउनलोड देता है इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के लिए, तो आप उन सारे डाउनलोड्स का इस्तेमाल करके इस कनेक्शन पर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो और इस कनेक्शन को एक फ्रूटेशन की तरफ लेकर जा सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस एनर्जी शिफ्ट वाली रीडिंग्स में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ मैच कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।